सबको जय मसीह की। आइए हम वचन और प्रार्थना के द्वारा अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आज का वचन है भजन संहिता 119 का 97 पद से लेकर के 104 पद तक हम आज देखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति प्रेम, आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षाओं से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुरानियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। आज की जो हेडिंग है, इसी में ही पहली बात में हमें बताता है परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति प्रेम, अर्थात परमेश्वर से प्रेम। भजन संहिता 19 आशीषों से भरा हुआ है। अब तक हमने कई बातें पढ़ लिया है और अब तक समझ चुके हैं जिस प्रकार से आनंद, संकल्प और प्रार्थना, भरोसा, आशा, भक्ति, मूल्य, न्याय, विश्वास और आज हम देख रहे हैं प्रेम। और ये हमारा प्रेम है परमेश्वर के प्रति, जो भजनकार के द्वारा हमको समझ में आ रहा है। 99 पद में लिखा है, मैं अपने सब शिक्षाओं से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। 103 में लिखा है, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या परमेश्वर का वचन खाने की वस्तु है? उत्तर इसका यही है, हाँ, परमेश्वर का वचन खाने के लिए है, लेकिन ये आत्मिक भोजन है। जिस प्रकार से शारीरिक भोजन शरीर को तंदुरुस्ती देता है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा को तंदुरुस्ती देता है, मजबूत करता है और विश्वास में, प्रेम में बढ़ाता है। वास्तव में परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। 104 में लिखा है, तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। परमेश्वर का वचन हमें समझदार बना देता है और मिथ्या मार्ग, झूठे मार्गों से परमेश्वर का वचन हमें बचा लेता है, हमें समझ देता है, हमें अकल देता है, ताकि हम दुष्टता के मार्ग में नहीं परंतु परमेश्वर के मार्ग में चले और परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर के वचन से प्रेम करें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमको बुद्धिमान बनाते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सभी भाई बहनों को प्रभु आपसे प्रेम करना सिखा दीजिए। प्रभु, खासकर आपके वचन के द्वारा हम आपके प्रेम को और गहराई से समझ पाएं। प्रभु पवित्र आत्मा, हम सबकी मदद और सहायता कीजिए। जो भी भाई बहन आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सबकी मदद और सहायता कीजिए और अनुग्रह कीजिए। आपकी महिमा, आपकी तारीफ हम सबके जीवनों में बनी रहे। धन्यवाद प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें।